आदर्श नव युवक रामलीला समिति हरदिया कमेटी के प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय रामलीला मंचन के दौरान बुधवार की रात को धनुष यज्ञ की लीला का मंचन किया गया, जिसमें रावण बाणासुर संवाद, राम के द्वारा धनुष भंजन, राम सीता विवाह और लक्ष्मण परशुराम संवाद के दृश्य विशेष रूप से दिखाए गए। इस दौरान सभी स्थानीय कलाकारों ने कोविड-19 के सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए अपने अपने किरदार को निभाया। धनुष यज्ञ रामलीला मंचन में मिथिला के राजा जनक की यह प्रतिज्ञा थी कि जो भी वीर शिव के धनुष को तोड़ेगा वे उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। वहीं जब रावण जैसे बड़े बड़े प्रतापी और पराक्रमी राजा भी धनुष तोड़ने में असफल रहे तो मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम उठे और एक ही झटके में शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया। धनुष भंजन की प्रतिज्ञा पूरी होते ही सीता जी ने राम को वरमाला पहनाई तथा इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर आदर्श नवयुवक रामलीला के कलाकारों में लाल साहब यादव, राजेंद्र यादव, गोरखनाथ उर्फ मनोज, संजय, छोटे लाल गौड़, ब्रह्मदेव यादव, इंद्रजीत, सुशील, रवि, योगेश सहित अन्य कलाकार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आदर्श नवयुवक रामलीला समिति के अध्यक्ष साहब यादव ने कहा, अब इन 3 दिन तो के कुछ ऐसा की भाई, ऐसा की गिरजा पूजन चलो पिया प्यारी द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हुए हैं। जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। जो अभी हमारा कहो ब्रह्म ऋषिराज आज आपको ईश्वर बहाय तेरे तृप्ति और प्रताप को पुत्री का हस्तरेखा दे। राजन जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। कहूँ क्या हाल कन्या की बरे जिसे कायम होई। कहूँ क्या हाल कन्या की बरे जिसे कायम होई। राजन वैसे तो हाथ की सभी रेखाएं ठीक है, लेकिन एक रेखा ऐसी है जो कुछ संशय पैदा करे। हस्त बीच एक रेखा है जो कानन बास कराएगी, जो कानन बास कराएगी। 14 बरसों के लिए सिय को तपसी में सगराए। नृत्य लोक का कोई नवीन समाचार तो नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम? कुछ भी नहीं, तनिक भी नहीं, जरा भी नहीं। तो सुनो, मनोहर देश मिथिला है जहारा का जनक राय। सुभ गयति रूप गुण खाने अहकन्या वही के पाए।
शंकर का लहकम स्वामी मैं अवश्य जाऊंगा। राजन अब मैं चलता हूँ, करता हूँ प्रणाम ऋषि राज आज ईश्वर बढ़ाए तेरे तेज और प्रताप को, ईश्वर बढ़ाए तेरे तेज और प्रताप को। तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण करने वाले हैं, मृत लोक का कोई नवीन समाचार तो नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम? कुछ भी नहीं, तनिक सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। तो सुनो, तीनों कठिन कठोर पर मिथिला देव सीता स्वयं पर स्थापित हरदंड है, खंडा प्रचंड चंद्रमौलिक दंड छाये ब्रह्मंड है। आयो अनेक देव धनुष मनुज रूप धरी श्री अवरण की किन्हों घमंड है। जाओ ब्रह्मंड खंड प्रचंड किन्हों ना घमंड कौन तुमते प्रचंड है। भयहुं सकल मम काज तब आज्ञा को शीश धर जाओ जनकपुर आज। ये बातें रावण को मालूम है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। करता हूँ प्रणाम ऋषि राज आज आपको, बढ़ाए तेरे तेज और प्रताप को। मेरी ये बहना तू आज
बनारस साहब यादव नाम है। मैं इस समिति का आदर्श नवजीवन समिति हरदिया का अध्यक्ष हूँ। हम लोग रामलीला का आयोजन सन 1959 से कर रहे हैं और हम सब कलाकार गांव के हैं। पार्टी दूसरे जगह से आती है और हमारे कलाकारों द्वारा रामलीला खेला जाता है। क्या क्या मंचन किया जाता है रामलीला? दशहरे के अगले दिन से हम लोग रामलीला खेलते हैं। पहले दिन राम जन्म खेलते हैं, दूसरे दिन ताड़ का अवध खेलते हैं, तीसरे दिन धनुष यज्ञ खेलते हैं, चौथे दिन विवाह खेलते हैं, पांचवे दिन सीताहरण और लंका दहन खेलते हैं। इधर मेले का भी आयोजन करते हैं आप लोग? नहीं, मेले का आयोजन तो होता है लेकिन इस साल कोरोना के देखते हुए मेले का आयोजन नहीं किया गया है। परमिशन दिया गया था आपको द्वारा? परमिशन SDM साहब से लिया गया है, उसी को ध्यान में देख करके हम लोग रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। सैनिटाइजर और मास्क का पूरी व्यवस्था किए हुए हैं और उचित दूरी बनाकर सभी लोगों को बैठाते हैं और सबके सहयोग से रामलीला चल रहा है।